विंटर में हुसैन, एक तो ये ऑटम सीजन में सितंबर अक्टूबर के महीने में, और फिर जो मार्च अप्रैल के महीने में ये साइबेरिया से विजिट करके जब पाकिस्तान आते हैं यूजिंग इंडस फ्लाईवे, ये इंडस रिवर को फॉलो करते हुए आते हैं, इसको ग्रीन रूट भी कहा जाता है, तो वो 45 के करीब स्पीशीज़ हैं जो माइग्रेट करके साइबेरिया से यहाँ पे आते हैं। रिसेंट जो रिसर्चेज हैं उनसे पता चला है कि यहाँ पे कोई 350 से ज़्यादा इकसाम के परिंदे शामिल हैं, और सिर्फ जो सेंट्रल काकुरम नेशनल पार्क एक GB का छोटा सा एरिया है उसमें मैंने बता दिया 214 के करीब इकसाम मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। हमारे इलाके भी चूंकि हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो वो ब्रीडिंग के लिए इनके लिए साजगार नहीं है, तो ये जस्ट थकावट है वो दूर करने के लिए, या जो फूड जो पर्पसेस हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत खा पी लें, तो इन पर्पसेस के लिए वो रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में मेरे मेहमान हैं डॉक्टर गुलाम अब्बास बेथाम। PhD उन्होंने जोलॉजी में की है और स्पेशलाइजेशन जो इनकी है वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज। थीसिस का टॉपिक इनका है बर्ड्स ऑफ सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क, इसमें जो आपकी थीसिस है सर, टॉपिक भी यही है, थीसिस भी इसी के ऊपर, तो क्या इसकी कोई अहम फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे ये मौका फ्राहम किया कि मैं अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो आपके चैनल के तवसत से GB के लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जैसे कि आपने कहा कि मेरा जो टॉपिक है वो सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क पे है और इसकी जो एवियन डाइवर्सिटी है इसके ऊपर है, तो बेसिकली मैंने जो सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क का जब भी टॉपिक सेलेक्ट किया तो इसमें मैंने तीन पहलुओं के ऊपर काम किया है बर्ड्स के। सबसे पहले कि यहाँ पे जो बर्ड लाइफ डाइवर्सिटी है वो कितनी है, मीन्स कि जो बर्ड्स हैं उनके कितने अकसाम ये जो सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क है इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। जो दूसरा पहलू है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ठीक कि सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क, जैसे कि हमारे नाजरीन में से अक्सर को पता होगा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये मुहित है। ठीक। इससे पहले हेंगुल नेशनल पार्क जो कि बलूचिस्तान में हुआ करता था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था, ठीक लेकिन जब ये सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क को गवर्नमेंट ऑफ GB ने जब नोटिफाई किया तो ये उसके बाद ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यहाँ का। तो उसमें जब बर्ड लाइफ डाइवर्सिटी के ऊपर मैंने काम किया अपने टॉपिक के ऊपर PhD के, तो इसमें करीबन कोई 214 के करीब स्पीशीज़ जो हैं मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं, और ये जो पार्क है ये पार्क के GB के तकरीबन कोई 6 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स पे फैला हुआ है, अच्छा जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिगर है, सही डिस्ट्रिक्ट गांचे है, डिस्ट्रिक्ट सिकरदो है, डिस्ट्रिक्ट गिलगित है, यहाँ पे फिर जो डिस्ट्रिक्ट नगर है, तो ये इन डिस्ट्रिक्ट्स पे ये फैला हुआ है। ठीक। तो इसमें फिर बर्ड्स के अंदर मैंने तीन तरह के जो मस्कन हैं वो चूज़ किए कि उसमें मैं मस्कन के अतबार से देख लूँ कि जैसे वेटलैंड्स एक मस्कन हैबिटेट है बर्ड्स का, तो सही है। वेटलैंड्स के पाए जाने वाले स्पीशीज़ कौन से हैं, फिर उसमें जो अर्बन जो एरियाज़ हैं जिसमें हमारे जो सेटलमेंट्स हैं और उनके अतराफ़ जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं जिनमें बागात वग़ैरह, सही। तो यहाँ की जो बर्ड लाइफ डाइवर्सिटी है इसको मैंने असेस किया सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क की। और जो थर्ड हैबिटेट टाइप है उसमें मैंने जो हायर जो अल्टीट्यूड वाले जो पासर लैंड्स हैं, जो हमारे रेंज लैंड्स हैं जो कि अमूमन अल्पाइन या सब अल्पाइन रीजन्स में इनका शुमार होता है, ठीक तो यहाँ की बर्ड लाइफ जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर काम ठीक किया। ठीक फिर जो तीसरा जो पहलू था, एक तो डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा जो पहलू मैंने जो एसेस किया वो इनकी कंजर्वेशन नीड्स के ऊपर कि ये जहाँ जहाँ पे जो डिफरेंट मस्कन में पाए ठीक जाने वाले जो परिंदे हैं हाँ
ان کو کیا خطرات لاحق ہے اور ان کو کس طرح کوپ کیا جا سکتا ہے. تو بیسکلی یہ ان پہلوؤں کے اوپر میں نے سینٹر کاکو نیشنل پارک کے جو برڈز ہیں ان کے اوپر. صحیح, گلگت بلتستان کے کوئی ایسے برڈز جو کہ اب ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں, کچھ اس طرح کی بھی آپ کی فائنڈنگز میں آ گئے ہیں؟ ایکسٹنکشن کے اعتبار سے تو وہ نہیں ہے, لیکن کچھ جو ریئر اسپیشیز ہیں وہ میں نے اپنی جو فائنڈنگز ہیں ان میں وہ شامل ہیں. جیسے کہ یہاں پہ چائنیز پونڈ ہیرون ایک برڈ ہے, یہ پریویسلی یہ پاکستان میں ریکارڈ نہیں تھا, ہمارے پڑوسی ملک چائنا میں یہ پایا جاتا ہے. یہ فور دا فرسٹ ٹائم میں نے اپنے ریسرچ میں یہاں سے پاکستان سے اس کو ریکارڈ کیا. اس کے علاوہ ایک کٹی ویک نام کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, تو یہ بھی پریویسلی پاکستان میں ریکارڈڈ نہیں تھا. تو یہ دو نئے پرندے جو ہیں وہ میں نے پاکستان کے فرسٹ ٹائم جی بی سے یہاں سے ریکارڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ریئر اسپیشیز ہیں جیسے ان میں یوریشین سسکن ایک چھوٹا سا پیسرائن پرندہ ہے, بہت خوبصورت پرندہ ہے. تو یہ پریویسلی جی بی کے اندر یہ ریکارڈ نہیں تھا, پاکستان کے دوسرے جو حصے ہیں وہاں پہ بھی ریئرلی یہ ریکارڈ تھا. تو یہ یہاں سے جی بی سے میں نے ریکارڈ کیا. اور اس کے علاوہ پھر جو گل ہے جو کہ ہمارے مائگریٹری واٹر برڈس میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو اس کے پریویسلی جو کیسپین گل ہے وہیں ایک اسپیشی یہاں سے ریکارڈ تھا جی بی کے جو مختلف ویٹلینڈز ہیں ان میں سے. لیکن میں نے اپنے ریسرچ میں کوئی گل کے کوئی 5 جو ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں وہ ریکارڈ کی. ان میں سے اکثر جو ہے ایک تھوڑا بہت یہاں پہ میں بتانا میں مس کر دیا کہ سینٹرل کراکم نیشنل پارک کے علاوہ جو پارک سے آؤٹر بھی تھوڑا بہت ریجن میرے اسٹڈی ایریا میں تھا وہ تھا یہاں کا بورت لیک. یہاں پہ ہنزا میں ایک لیک ہے. یہ اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ پورا جو جی بی ہے وہ دیکھیں تو فریش واٹر کا منبع ہے یہاں پہ, لیکن وہ ایک ایسا لیک ہے جو بریکش واٹر ہے, اس میں کھارا پانی ہے اس میں پایا جاتا ہے. اور جب میں نے یہاں پہ فریکوینٹ وزٹس کیے اپنے ڈیٹا لینے کے لیے, ڈیٹا کلیکشن کے لیے, تو یہ میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ اتنے چھوٹے سے لیک کے اطراف قریباً 45 جو اسپیشیز تھے جو کہ مائگریٹری تھے, جو ونٹر میں خصوصاً ایک تو یہ آٹم سیزن میں سپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں اور پھر جو مارچ اپریل کے مہینے میں یہ سائبیریا سے وزٹ کر کے جب پاکستان آتے ہیں یوزنگ انڈس فلائی وے, یہ انڈس ریور کو فالو کرتے ہوئے آتے ہیں, اس کو گرین روٹ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ 45 کے قریب اسپیشیز ہیں جو مائگریٹ کر کے سائبیریا سے یہاں پہ آتے ہیں. تو ان میں یہ گلز وغیرہ. ٹھیک ہے, اور یہ کتنے ٹائم کے لیے یہاں پہ رہتے ہیں 45 اسپیشیز مائگریٹ کر کے؟ آ کے آٹم میں یہ سپٹمبر اور اکتوبر میں یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ آتے ہیں سیکنڈ جو ان کا راؤنڈ ہے وہ مائگریشن کا, وہ پھر مارچ اپریل میں انفلکس زیادہ ہوتا ہے, گو کہ یہ فروری سے ہی ان کا مائگریشن اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک, ان کی تعداد کوئی ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے مائگریٹری برڈس کی, اگر صرف ان کی بات کریں؟ اس میں جو اسٹڈیز ہیں وہ بہت اسکارس ہیں میر صاحب. اس میں پریویسلی آپ دیکھیں تو جو ٹی جے رابرٹ ہے گو کہ وہ کوئی بایولوجسٹ بھی نہیں تھا, انگلش وومین تھا, انگلش لٹریچر میں ان ڈگری ہے, لیکن چونکہ وہ جب پاکستان یہاں پہ آئیں انہوں نے میملز آف پاکستان کے اوپر بھی 2 ولیومز لکھے ہیں اور برڈس آف پاکستان کے اوپر بھی 2 ولیومز لکھے ہیں. تو ان اس میں جی بی کے لیے انہوں نے کوئی اسٹیمیٹس لگائے تھے, کوئی پراپر فیلڈ بیس ڈیٹا ان کے پاس نہیں تھا. تو ان کے اسٹیمیٹ کے مطابق کوئی 230 کے قریب انہوں نے کہا تھا کہ اسپیشیز برڈس کے جی بی میں پائے جاتے ہیں, جبکہ ابھی ریسنٹ جو ریسرچز ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کوئی 350 سے زیادہ اقسام کے پرندے شامل ہیں. اور صرف جو سینٹرل کراکم نیشنل پارک ایک جی بی کا چھوٹا سا ایریا ہے اس میں میں نے بتا دیا 214 کے قریب اقسام میں نے آبزرو کیا یہاں پہ. صحیح, یہ برڈس ڈاکٹر صاحب سارے مائگریٹری ہوتے ہیں کہ نہیں, بعض کچھ اس طرح کی بھی ہوتے ہیں کہ جو ادھر کی ہی ہوں ادھر ادھر نہ جاتے ہوں؟ نہیں, اس میں میرے جو تھیسز ہیں اس میں اس اسپیکٹ کے اوپر بھی میں نے کام کیا ہے. تو اس میں قریباً کوئی
सवा 150 और 115 के 125 के करीब इस तरह की स्पीशीज़ हैं जो ईयर राउंड यहाँ पे रहती हैं, जिनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेजिडेंशियल बर्ड्स का, वो जाते नहीं हैं में यहाँ पे होते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। जैसे उसमें देखें तो हमारे पास चाफ के स्पीशीज़ हैं, अल्पाइन चाफ के, कोई येलो बिल्ड और रेड बिल्ड, ये हमारे मकामी ज़बान में क्या कहते हैं इनके, कोई नाम इनको ब्रशेस के अंदर हम छगन कहते हैं, शिनामे काएं, अच्छा अच्छा जो ठीक है, कवा, जी जी बिल्कुल, तोशी की स्पीशी है। फिर जंगल क्रो है, ये भी ईयर राउंड यहाँ पे होता है। उसके अलावा कश्यप बिस्तोनस, हाँ, मेकपाई जिसको कहते हैं उर्दू में, उसको बकवासी कहते हैं, वो आवाज़ की वजह से, हाँ, उसका ये नाम है यूनिक सा। तो ये यहाँ पे ईयर राउंड है। इसी तरह फिर यहाँ पे हमारे पास कॉक के, स्नो कॉक के दो वैरायटीज़ हैं, एक हिमालयन स्नो कॉक है, उसके अलावा तिब्बतन स्नो कॉक भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं, ये ईयर राउंड होते हैं। इसी तरह टिट के स्पीशीज शुतूत तो कहते हैं हम, जी 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 जी, तो ये स्पीशीज़ ये ईयर राउंड यहाँ पे सही। जो चकोर वगैरह हैं ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं? ये चकोर भी यहाँ पे ईयर राउंड होते हैं, ईयर राउंड होते हैं। फिर माइग्रेशन के भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में कैटेगरीज हैं, जैसे एक तो जो साइबेरिया से नॉर्थ टू साउथ जो माइग्रेशन है वो विंटर को कोप करने के लिए वहाँ से आते हैं, क्योंकि साइबेरिया के अंदर जब सर्दी ज़्यादा होती है तो उससे बचने के लिए, और फिर ब्रीडिंग और वो अपने फूड पर्पजेज़ के लिए यहाँ पे वो तशरीफ लाते हैं। जीबी के जो पाकिस्तान है उसके अलावा भी बहुत सारे मालिक में इनके माइग्रेटरी रूट्स है। दुनिया में करीबन कोई 8 के करीब ये इंटरनेशनल रूट्स अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनको यूज़ करके जो परिंदे हैं वो साइबेरिया से डिफरेंट जो मालिक हैं उनमें विजिट करते हैं। जो रूट 4 है जिसको फ्लाईवे 4 कहा जाता है, या हम लोकली यहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इंडस फ्लाईवे या ग्रीन रूट कहते हैं, वो यूज़ करके फिर यहाँ पे। सही, मेरा यह सवाल भी डॉक्टर साहब आपसे था कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये माइग्रेशन होती क्यों है इनकी? माइग्रेशन यही के मौसम के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि दो इसमें बेसिक पर्पजेज होते हैं, एक तो विंटर जो है उससे बचने के लिए माइग्रेट करते हैं परिंदे, और दूसरा जो पर्पज़ है वो क्योंकि ब्रीडिंग के लिए इनको रिलेटिवली वार्मर जो एरियाज़ हैं उनकी ज़रूरत है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो, तो इसी वजह से फिर साइबेरिया से ये परिंदे आते हैं। यहाँ पे जीबी में तो जो परिंदे आते हैं ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए नहीं आते हैं, ये एज अ स्टेजिंग ग्राउंड के तौर पे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। अच्छा, जब ये दूसरे मुल्कों की तरफ ये सफ़र करते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्यों रुकते हैं? यहाँ पे मौसम इस तरह का इनका साजगार नहीं है, यहाँ पे मौसम साजगार नहीं है। जैसे साइबेरिया की सर्दी से बचने के लिए आते हैं तो हमारे इलाके भी चूंकि हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो ब्रीडिंग के लिए इनके लिए साजगार नहीं है, तो ये जस्ट थकावट है वो दूर करने के लिए, या जो फूड जो पर्पजेज हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत खा पी लें, तो इन पर्पजेज के लिए वो रहते हैं। तो ब्रीडिंग के लिए पाकिस्तान में फिर हमारे जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे फिर ये ब्रीड भी करते हैं। उसमें अमूमन जो पंजाब और सिंध के जो लेक्स हैं, जैसे हालेजी है, केंजर लेक है, फिर ऑल वे जो इंडस पंजाब के अंदर, यहाँ पे फिर ये ब्रीडिंग भी करते हैं स्टेजिंग के साथ साथ। सही, अच्छा इनका रूट किस तरह का बनता है, किस तरह आके गिलगित आते हैं, गिलगित से फिर कहाँ जाते हैं? जिसे मैंने कहा ये तो अरेबियन सी को यूज़ करते हुए इंडस में इंटर हो जाते हैं, तो इंडस ही को ये फॉलो करते हैं। फिर एग्जिट के 3 रास्ते हैं पाकिस्तान से, एक तो ये पंजाब में राजनपुर से जो है वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं कुछ बर्ड्स, क्योंकि उस साइड पे जो वेटलैंड्स हैं वो वहाँ पे ये ब्रीड वगैरह करते हैं। एक इनका जो रूट है ये इंडस को ही फॉलो करते हुए जीबी आ जाते हैं, जीबी से जो एक्चुअल इंडस है जो सिकर्दो की तरफ पे ये जाते हैं बल्तिस्तान साइड पे, और वहाँ से फिर इंडियन जो लद्दाख है वहाँ से इंडिया की तरफ चले जाते हैं। और तीसरा रूट जो है ये फिर ऑल वे जो कराक्रम हाईवे है इसको फॉलो करते हुए फिर आगे चाइना की तरफ यहाँ से ये माइग्रेट करते हैं। ये इनकी जो गुरबंदी होती है ये भी कोई ख़ास ग्रुप बंदी में, जैसे इनके लिए जो माइग्रेशन है उसमें दो टर्म्स वो यूज़ करते हैं, दो तरह की। एक जो टर्म है वो स्कूलिंग कहा जाता है, और एक टर्म इसमें है शॉलिंग का। शॉलिंग में ये होता है कि ये जो बर्ड्स हैं एक सोशल कोऑर्डिनेशन के साथ
ये मूव करते हैं, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेशन है इतना स्ट्रॉन्ग इनमें नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो टर्मिनोलॉजी जो स्कूलिंग है, जो कुछ जो परिंदे खुसूसन उनमें जो मुर्गावियाँ हैं, जो डक्स वगैरह हैं, गीज़ वगैरह हैं, जो कि बर्ड्स का एक ऑर्डर है, एंसेरिफॉर्मस कहते हैं, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो परिंदे हैं ये स्कूलिंग के तौर पे माइग्रेशन करते हैं। अब स्कूलिंग में जो इनके माबेन जो सोशल जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये डिफरेंट पैटर्न्स बना के कभी वी शेप, कभी डब्ल्यू शेप, कभी एक लाइन में, तो इस तरह ये माइग्रेट करते वक्त सही। डक्स अब कितना इम्पोर्टेंट होता है परिंदों की सर्वाइवल, इनकी डिफरेंट एग्जाम इस इकोसिस्टम के अंदर जिसमें हम रहते हैं, अगर ना हो तो क्या होगा? एक दो स्पीशीज बर्ड्स को जो एक इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़ी अहमियत के हामिल ये स्पीशीज़ हैं, क्योंकि इनको इन्वायरमेंटल लिटमस पेपर्स कहा जाता है, कि मींस कि इन्वायरमेंट के इंडिकेटर्स हैं। अगर किसी जगह से परिंदे ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब जो है वहाँ का आबोहवा जो है क्लाइमेट के अंदर तब्दीली हो सकती है, उस एरिए के जो एग्रीकल्चरल पैटर्न्स हैं उनके अंदर तब्दीली वो हो सकती है। यही वजह है कि इनको इन्वायरमेंटल लिटमस पेपर या बायोलॉजिकल ये इंडिकेटर्स होते हैं किसी जगह के। एक सबसे अहम जो इनका फंक्शन है, बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उसमें पोलिनेशन वो है, ठीक का जरिया बनते हैं ये। बिल्कुल, ये पोलिनेशन का जरिया बनते हैं जब यहाँ पे ब्लॉसम का सीज़न होता है, तो यही परिंदे होते हैं जो कि पोलिनेशन का बायस होते हैं। सही। अब आजकल आप देखें तो जैसे हम अपने जो बड़े हैं उनसे सुनते थे कि आज से 20-30 साल पहले ये परिंदे बहुत ज़्यादा तादाद में होते थे, आज बहुत छोटे फ्लॉक्स में बहुत कम तादाद में है। तो उसके पीछे वजह जो हम एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं, तो इनकी मॉर्टेलिटी रेट में इजाफा हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि बर्ड्स जो है वो माइग्रेशन करते हैं तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है वो माइग्रेशन करते हैं, तो ज़्यादा इनको एनर्जी की ज़रूरत है। ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स वगैरह उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में तो हम अपने फ़ायदे का सोचते हैं, लेकिन जो जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, जो क्योंकि प्रोडक्शन बेस करता है पोलिनेशन के ऊपर, अब जब परिंदे ही कम होंगे तो फिर वो पोलिनेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन वैसे ही कम होगा। जैसे इसके साथ एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, वो क्योंकि वो बर्ड से रिलेटेड नहीं है, जौहानी बीज हैं, वो बाहर ऐसे मालिक में जहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर को इतना ट्रांसफॉर्म किया, वहाँ पे केमिकल्स यूज़ किए, तो उससे जो इंसेक्ट्स बर्ड्स के बाद जो दूसरे पोलिनेशन के एजेंट्स हैं वो इंसेक्ट्स को माना जाता है। तो वो जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स की कमी की वजह से अब हनी बीज को बाकायदा किराए पे ले लेते हैं मौसम के सीज़न में, ला के अपने खेतों में अपने बागात के अंदर रखते हैं ताकि ये पोलिनेशन वो करें। फिर एक और जो बायोलॉजिकल फंक्शन बर्ड्स का ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये इनमें से कुछ जो स्पीशीज़ हैं हुसैन, जो राप्टर्स या फिर स्केवेंजिंग कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे वल्चर्स वगैरह हैं, ये स्केवेंजिंग बर्ड्स हैं, क्रोज जो हैं स्केवेंजिंग बर्ड्स हैं, मैकपाई स्केवेंजिंग बर्ड्स हैं। स्केवेंजिंग से क्या मतलब? तो इससे मुराद ये है कि जो डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है ये उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, उसको माहौल से ये ख़त्म करते हैं, तो इसी वजह से इनको इन्वायरमेंटल क्लीनर्स भी कहा जाता है। तो इस तरह के फंक्शंस हैं। फिर बहुत सारे जो परिंदे हैं वो ऐसे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं कि अगर वो इंसेक्ट्स ज़्यादा तादाद में हो तो आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो मुतासिर हो सकती है। जैसे आप देखें जीबी के कॉन्टेक्स्ट में 2017-18-19 में यहाँ पे हुसैन जो डिस्ट्रिक्ट हंजा है, डिस्ट्रिक्ट नगर है, वहाँ पे हेरी कैटल पिलर जो उसने अटैक किया था, बहुत मतलब न्यूज़ में, बल्कि आपने भी शायद प्रोग्राम किया था उसको, तो उसके पीछे ही पेसराइन बर्ड्स नहीं थे, जो उनको खाने वाले जो बर्ड्स हैं वो नहीं आए थे, थोड़ा सा सीजनलिटी का भी इशू था, क्योंकि बर्ड्स जो हैं उनके जब ये माइग्रेट करके आते हैं तो इनके एक पेक्यूलर ये सीजन्स में माइग्रेट करते हैं, तो एक तो सीज़न का थोड़ा बहुत इशू था कि वो लेट आए, तब तक जो हैरी कैटरपिलर्स हैं वो प्रोपेगेट हो गए पूरे उसमें, तो सारे पत्ते वो खा गए थे, खजा का सा। ठीक 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 डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमें लगता है एक सेशन में तो मुमकिन नहीं है हमारा, चूँकि महदूद टाइम है, हमने कोशिश की कि कुछ आपसे जो कीमती मालूमात हैं हमारे नाज़रीन तक पहुँचा सकें। बहरहाल मुझे लगता है कि एक सेशन हमें फिर किसी टाइम करना पड़ेगा। तो
آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیں. اجازت دیجیے. اللہ.